best friend forever. नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम स्मृति रस्तोगी एंड आई एम संजीव कुमार. वेलकम टू योर लव शो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. जैसा कि हमेशा हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि पेट्स के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनके खाने की नेसेसरीज हो सकती हैं. सो ऑब्वियसली जैसा हमने आपको बताया था कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर पेट्स एंड ऑल काइंड ऑफ पेट्स. खाली डॉग्स एंड कैट्स के बारे में नहीं, हम सारे तरीके के पेट्स के बारे में एंड घर का भी खाना. बिल्कुल, मैं उससे पहले संजीव एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अमूमन जब भी लोग अपने पेट्स को लेकर पेट्स के पास जाते हैं, वे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक चीज़ कॉमनली पूछते हैं, वो ये होता है कि हम अपने पेट्स को क्या खिलाएं ताकि उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, वो फुलफ़िल हम कर सकें. अच्छा, एक ही अगर हम पेट की बात करें तो उनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, ऐसे में उनकी डिफरेंट ब्रीड्स को जो न्यूट्रिशन अगेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल किया जाए, क्या दिया जाए, क्या ना दिया जाए, और जो सुपर फूड की बात होती है उसमें कितना कारगर हो सकता है घर का बना खाना हमारे पेट्स के लिए. ये तमाम जो सवाल होते हैं वो हमारे मन में होते हैं, हमारे पेट्स को लेकर पेरेंट्स में होते हैं. तो आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमारे पेट्स का हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कितनी डिफरेंट और कितनी ज़रूरी हो गई हैं इनको फुलफ़िल करना. और हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट्स मेहमान जुड़ रहे हैं. आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर गौतम उनी, ही इज़ अ वेटरनरी सर्जन. आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम डॉक्टर. और हमारे साथ हैं सुजाता भट्टाचार्य, शी इज़ द फाउंडर ऑफ फर्मील्स. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनसे आपके जो भी सवाल अपने पेट्स को लेकर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे खास मेहमानों से अपने सवाल अपने पेट्स को लेकर पूछिए. और संजीव, आगे बढ़ने से पहले आज आप एक और हमारे दोस्त को लेकर स्टूडियो में आए हैं, इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दीजिए. सो दैट्स रॉयल डचेस. सो डचेस इज अ टॉय पूडल एंड शी इज बिलीव इट और नॉट नाउ 13 एंड अ हाफ इयर्स ओल्ड. सो शी इज गोइंग टू बी 14, 14 साल की होने वाली है. अच्छा. एंड इक्वली एक्टिव, अभी भी जस्ट हाइट तक आराम से जंप करती है. एंड बट या वेरी कैमरा फ्रेंडली, तो बैठी हुई है बिल्कुल कैमरा फेसिंग और उनको पता है कि कहाँ पे कैमरा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल कैमरे के डायरेक्शन में. अच्छा, आपसे मैं संजीव बोलूंगी कि हर एपिसोड में अमूमन ये देखा गया है जो टॉय पूडल्स होते हैं, मतलब हर एपिसोड की बात नहीं तो दूसरे तीसरे एपिसोड में टॉय पूडल्स को हम लाना प्रेफर करते हैं, टॉय पूडल्स को दिखाते हैं हम. अच्छा, ये इतने सॉफ्ट और इतने क्यूट होते हैं कि किसी का भी दिल इन पर आ जाता है. नो, टॉय ब्रीड्स, देखिए डॉक्टर साहब, यू विल आल्सो अग्री कि हम टॉय ब्रीड्स का एक अब एक समय आ गया है कि मोर मैनेजेबल एस्पेक्ट्स की किस तरीके से कौन सी ब्रीड्स हाइपोलोजेनिक है, नॉन शेडिंग है. व्हाट्स योर थॉट ऑफ यू नेल्ड इट राइट ऑन द स्पॉट. आपने बोल दिया है पूडल इज नोन एज द हाइपोलोजेनिक डॉग, राइट, क्योंकि इसीलिए इनके जो आप हेयर कट दिखा रहे हैं, इफ यू कैन जस्ट लिफ्ट द लेग्स यू कैन शो डचेस लेग्स, तो इनका जो हेयर कट होता है इट्स बेसिकली बिकॉज दे नेवर शेड. और क्योंकि ये शेड नहीं करते, घर पे जिन लोगों को एलर्जी होती है डैंडर से और बाल से, उन लोगों के लिए ये डॉग रेकमेंड किया जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, ऑल जितने भी हमारे छोटे ब्रीड्स हैं इनको संभालना आसान है, उनकी वॉक रिक्वायरमेंट्स कम है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कम है, लेकिन लव दुगना है. बिल्कुल, बिल्कुल. किसी का भी मन आ जाएगा, जैसे कि मैंने संजीव से बोला, किसी का भी मन आ जाएगा इन टॉय पूडल्स पर. डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर पेट्स, और हम सुपर फूड की बात कर रहे हैं, घर के बने खाने की बात कर रहे हैं कि पेट्स के लिए कितना ज़रूरी और कितना अहम है. सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी, फिर मैं सुजाता के पास जाऊँगी. कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक बैलेंस्ड और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू रिक्वायरमेंट की जो डाइट है हमारे पेट्स के लिए, उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? पहली बात यह है कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि होम फूड आई स्टिल फील इज द प्रिफर्ड ऑप्शन, द बेटर ऑप्शन फॉर पेट्स. और इसका मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि
इन फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। आप कोई भी कमर्शियल डॉग फूड लेंगे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स तो होंगे। बिल्कुल। तो क्या आप खुद प्रिजर्वेटिव्स लेना चाहेंगे इतने लंबे पीरियड के लिए? बहुत अच्छी बात है आपने बताई, जैसा कि हम कैंड फूड अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है बॉटम लाइन है। आजकल जो जितने हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रही है, आपने सुना होगा किडनी डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, यंग डॉग्स 4 इयर्स 5 इयर्स, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए जितना मीट और प्रोटीन दिया जाता है कमर्शियल फूड्स में, शायद वो प्रॉपरली बैलेंस्ड या रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, जो उसमें मेंशन भी होता है बॉक्सेस पे, वो भी आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो मेरा मेरे को 20-22 साल हो गए प्रैक्टिस पे, जो मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं कैंसर के, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं फूड तो एक एलिमेंट है ही, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फूड है। और ऐसा तो नहीं था कि आज से सबसे पहला जो फूड आया था वो 2000 में आया था। बिल्कुल। क्या 2000 से पहले हमारे पास डॉग्स नहीं थे? बिल्कुल। क्या वो अच्छी तरह जी नहीं रहे थे? दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। राइट। सो अगर ओनर एक बैलेंस डाइट दे सकता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर रिक्वायरमेंट एडिक्वेट हो, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। राइट डॉक। पटना से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका सवाल प्लीज। सर ऐसा है जी, कुत्ता जो है खाना नहीं खाता ठीक है, और जो है मिठाई के साथ उसको रोटी देते हैं तो रोटी मिठाई खा जाता है, रोटी नहीं खाता है, छोड़ देता है। अच्छा विजय जी, आपका पेट कौन सी नस्ल का है और कितने उम्र का है? ये करीब 10 साल का हो गया है जी, और पहले बाप बेटा दोनों था मेरे पास जी। तो खाना दोनों को दो कटोरा में देते थे ना, तो दोनों आपस में एक दूसरे को शेयर कर खा लेता था। अच्छा। लेकिन बाप के मरने के बाद जो है वो अकेला बदमाशी करता है खाने में जी, और ये साइबेरियन हस्की नाम का होता है। अच्छा डॉक्टर आप तो, संजीव पहली बात तो ये है कि जब डॉग 10 साल का हो जाता है, तो अगर हम एक एवरेज 1 year = 7 years लेते हैं, आपका डॉग 70 years का हो चुका है। राइट। और जब आपका डॉग 11th year में जाएगा, ही इज नॉट 11 years ओल्ड बट ही 77 years ओल्ड। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि दे आर एजिंग वेरी फास्ट जी, एंड देयरफॉर अगर डॉग नहीं खा रहा है, ऑफ कोर्स वी कैन ट्राई, कम खा रहा है, there is no harm getting basic blood tests and right. other things done because hame kabhi nahi malum ki andar kyun nahi ho raha hai ji ji, but iske liye maine ek thumb rule rakha hua hai ki agar dog active hai, alert hai aur apne baki sare kaam dhang se kar raha hai, we don't have to rush into tests. Bilkul. We can change the diet. Ha matlab agar thoda kam bhi kha raha hai, dekhiye jaise umar ke requirements ke hisab se hum insano ko bhi bola jata hai, exactly Bilkul. With age hum log apna diet change karte hain, sanjeev scientifically baat kare, that's called lowered BMR. Right. aapka BMR ghat raha hai, बेसल मेटाबॉलिक रेट घट रहा है, तो उसके कारण आपकी रिक्वायरमेंट भी कम हो गई होती जाएगी आपके। आप एक छोटे पपी को कितने बार खाना देते हैं? आप 5 बार खाना देते हैं, क्योंकि वो एक्टिव होता है, एक्टिव है, ही इज ग्रोइंग। बिल्कुल। तो ये मुझे तो मतलब उनको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर लेकिन वो थंब रूल जरूर देखेंगे, जो डॉग एक्टिव होना चाहिए, सो डोंट वरी टू मच, आई एम श्योर ही इज गोना बी फाइन। अच्छा, आपसे सुजाता मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग जो मैंने इस शो के स्टार्टिंग में भी बोला कि जैसे पेट्स के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, ऐसे में उनका जो एक्टिव कितना रहते हैं और क्या उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू रिक्वायरमेंट होता है, कैलोरीज के हिसाब से भी हम बात करेंगे, कौन पेट कितना ज़्यादा, कौन सी ब्रीड कितनी ज़्यादा एक्टिव होती है, खासकर डॉग्स में अगर हम बात करें, तो ऐसे में एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या खाना कैसा देना चाहिए, और जो सुपर फूड की बात हो रही है, तो ये सुपर फूड कितना अहम किरदार प्ले कर सकता है इसमें? सो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि सी होम कुक्ड होम फूड आई बिलीव इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रिजर्वेटिव नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉग, बट द की एलिमेंट टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन हेयर इज बैलेंसिंग। आप अगर गलत खाना, इफ यू चूज अ डाइट फॉर योर डॉग जो आपने खुद से चूज किया है, एक डाइट आप उसके लिए बनाएं और आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वही डाइट उसको देते रहें, एंड वो डाइट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, तो वो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस डॉग को कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो डाइट व्हेन होम कुक्ड फूड इज गिवन टू अ डॉग, इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप एक वेटरनरी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें और उसका डाइट सही से प्लान करें। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप रोज उसको, बिकॉज जनरली लोग ये सोचते हैं कि हम दूध रोटी खिला रहे हैं डॉग को, सो मॉर्निंग इवनिंग वो दूध रोटी ही खिलाते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। सो आप एक पेट की प्रोफाइलिंग करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स आप देखते हैं, व्हाट डू यू डू?
सो बेसिकली एक पेट का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, जो हम कैलोरी मतलब अगर हम बोलें ब्रीड के हिसाब से, सो बेसिकली उसका एज, वेट, उसकी एक्टिविटी लेवल्स, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, दैट बेसिकली डिफाइंस कि उसको कितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है. ये ऐसा नहीं है कि ये ब्रीड स्पेसिफिक हो जाता है. ये ब्रीड स्पेसिफिक तब होता है बिकॉज सर्टन ब्रीड्स आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स कोई पर्टिकुलर डिजीज. यू नो कि किसी को आर्थराइटिस की कुछ, किसी सर्टन ब्रीड को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, किसी सर्टन ब्रीड को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. उस समय आपको अपने डाइट के, अपने रेसिपीज को अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट करना पड़ता है. बट अदरवाइज इट इज बेसिकली कि आपके डॉग की एक्टिविटी लेवल्स क्या है, उसका एज, वेट, ब्रीड एंड एक्टिविटी लेवल एंड बॉडी स्ट्रक्चर, दैट बेसिकली डिवाइड्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. अच्छा, कई घरों में ये होता है कि नॉनवेज अलाउड नहीं होता है या वो नॉनवेज नहीं खाते हैं. ऐसे में जो वेजिटेरियन खाना होता है उसको कैसे सुपर फूड की तरह दिया जा सकता है ताकि उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ना बढ़ें या उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो कैलोरीज हैं, वो प्रॉपर मिल जाए उन्हें. तो पहली बात ये है कि एक डॉग को आप प्योर वेजिटेरियन पाल सकते हैं. अच्छा, लेकिन बिल्ली को नहीं. बिल्ली को नहीं पाल सकते, एक इम्पॉर्टेंट मुझे था आस्पेक्ट बताइए डॉक्टर साहब ने इधर. तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत जरूरी टेक अवे है आज के इस शो का. जी डॉक्टर साहब, इसलिए कि जो वेजिटेरियन फूड है इट इज डेफिशिएंट इन एन अमीनो एसिड कॉल्ड टाउरीन. ओके, तो अगर कैट को टाउरीन नहीं मिला तो उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है. अच्छा, तो उनको नॉन वेजिटेरियन फूड, बेशक वो एक बिल्ली, एक चूहा पकड़ ले वो भी काफी है, लेकिन उसको प्योर आप वेजिटेरियन नहीं रख सकते. इट इज गोइंग टू बी डेट्रिमेंटल. लेकिन डॉग्स के लिए अगर आप देखा जाए तो दे कैन स्टे वेजिटेरियन वेरी वेल एंड देयर इज नो, ये तो एक गलत फहमी है कि हम वेजिटेरियंस के पास, आई एम अ वेजिटेरियन, तो ऐसा एक गलत फहमी है कि हम वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन का सोर्स नहीं है. क्या हमारे पास सोया नहीं है? हमारे पास 5 दालें हैं जो हम मिक्स करके रोटी बनाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज रोटी खाती है 5 दालों वाली. इट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. आप वो दे सकते हैं. पनीर किस घर में नहीं है? बिल्कुल, है ना, आपके सारे पल्सेस आपके पास है. तो इन सब को मिला के आप एक प्रॉपर डाइट ऑफ वेजिटेरियन आप दे सकते हैं. इसमें बस थोड़ा ये याद रखना पड़ता है कि जितना मैंने पिछले 20 सालों में देखा है, इन ब्रीडिंग बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण कुछ ब्रीड्स में बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशंस बढ़ने लग गई है. तो वीट इज अ वेरी कॉमन एलर्जन. दिस इज अ हाइलाइटेड पॉइंट कि वीट इज सो कॉमन एज अ एलर्जन कि मेनी डॉग्स जस्ट कैनॉट टेक वीट. वीट, और लोग तो कहते हैं मैं तो 3 साल से वीट खिला रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स ग्लूटेन, द ग्लूटेन इज द एलर्जन. ओके, और ये गलत फहमी है कि आप 3 साल से खिला रहे हैं और तीसरे साल में स्किन डिजीज आई, क्योंकि आपका बॉडी टाइम लेता है सेंसिटाइज होने के लिए. इस पे भी काफी रिसर्च चलता आ रहा है. देखिए, जो गेहूं हम आज के दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और आज से जो 50 साल पहले कंज्यूम करते थे, बहुत फर्क है. तो that also obviously, you know, मैं तो कह रही हूँ इंसानों को भी ग्लूटेन का जो शिकायत है, जो एलर्जी है, वो इट्स वेरी कॉमन इन ह्यूमन बीइंग्स. सीलियर डिजीज, बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी कॉमन. तो ये आप याद रखिएगा कि आप घर का खाना दे रहे हैं, बट इफ योर स्किन बिगिंस टू, द स्किन इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज. तो अगर आपके स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर्स, फेस एंड पॉज है, तो दैट इज अ फूड एलर्जी. तो द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट इज फर्स्ट वीट, सेकेंड इज मिल्क एंड थर्ड इज योर नॉन वेज वेजिटेरियन फूड. तो इसका भी तरीका है, आप एक ऐसा फूड दे जो डॉग ने खाया ही ना हो. तो पहली बात ये, लोग कहते हैं चलो जी मैं चपाती नहीं खिलाता, मैं ब्रेड खिला देता हूँ. बात तो वही है, बात आप डॉग बिस्किट खिला रहे हो, बात तो वही है. डॉक्टर साहब, चावल पे स्विच कर सकते हैं या देयर इज समथिंग कॉल्ड एमआर वीट आल्सो. यस, इसमें एक जस्ट वन मोर पॉइंट संजीव, दैट जब हम एलर्जिक फूड्स के बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी अ नोवल प्रोटीन देयर आफ्टर, समथिंग द डॉग हैज नेवर ईटन. सो ओट्स इज अ वेरी गुड चॉइस. द मिलेट्स, बिल्कुल बिल्कुल, द मिलेट्स आर अ वेरी गुड चॉइस. तो ये अगर हम एक बार शिफ्ट करके देखें, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे, आपका रफेज भी आ गया है, एंड योर डॉग इज राइट. आई मीन, व्हिच डॉग हैज ईटन मिलेट्स? बट इट्स टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ बैलेंस आल्सो. सो आई मीन, सी, काफी रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है इन सब चीजों पे, डिस्कशंस भी हैं. ऑब्वियसली देयर इज अ व्यू पॉइंट कि घर का ही खाना अच्छा है, देयर इज अ व्यू पॉइंट कि बेस्ट ब्रेड पेट्स आर ऑन यू नो पैक्ड फूड. सो क्या आप रिकमेंड करेंगे, व्हाट डू यू से सुजाता, टू क्रिएट अ बैलेंस कि कभी कुछ खिलाया जाए कभी कुछ खिलाया जाए? व्हाट डू यू सजेस्ट ऑन दिस? सी बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज, इट इज यू नो, इट इज बैलेंसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट, हम भी एज ह्यूमन बीइंग्स हर डाइट जो लेते हैं या हर मील जो लेते हैं वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होता है. इट इज जस्ट दैट वी कीप बैलेंसिंग इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो विद डॉग्स, विद आर पेट्स ऑल्सो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप
एक रेसिपी, एक अगर आपने रेसिपी डिसाइड किया है जो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, उसी को आप पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खिलाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप बीच बीच में, सी एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके. आप कभी दूध रोटी भी खिला दें अगर उसको एलर्जी नहीं है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज फाइन. एंड यू शुड कीप इन माइंड कि उसकी प्रोटीन इनटेक हो रहा है, उसका फैट इनटेक सही जा रहा है, उसको कार्ब बहुत हाई नहीं जा रहा है. ये चीज आप देखें, मॉनिटर करें अपने डॉग को, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को कीप मॉनिटरिंग. एज डॉक्टर साहब सेड कि स्किन इज द फर्स्ट, सबसे पहले शो करेगा. उसको देखिए ईयर में इन्फेक्शन आ रहा है कि नहीं. सो यू नो दैट वे. अच्छा सुजाता, एक और पॉइंट, जैसा कि आप बता रही थी खाने को लेकर के किस तरीके से हम डील कर सकते हैं जब पेट्स का खाना कंसर्न्ड होता है, तो कई बार ये देखा गया है घरों में कि जो टेबल स्क्रैप्स होते हैं हम खा रहे हैं उसी में वो, अब हम छोले खा रहे हैं उनको भी निकाल दिए, चावल हैं वो भी निकाल दिए, वो भी वो घी वाले चावल वो भी दे दिए उनको, ओवरली रिच खाना भी उनको हमने प्रोवाइड कर दिया. अब वो बैडली बैलेंस्ड ये डाइट वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे शो करेगी ही करेगी. तो कितना ज़रूरी है व्यूअर्स को ये समझना कि बहुत प्यार में वो अपनी टेबल से जो खाना दे देते हैं वो नहीं देना चाहिए. उनका खाने का रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट अलग होता है. करेक्ट, एज यू सेड, ये बहुत प्यार में ही होता है कि बहुत प्यार में, एंड दे गिव द पपी आइज, आप नहीं रोक पाते हैं तो आप दे देते हैं. तो एज डॉक्टर साहब विल ऑल्सो एग्री कि वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर पेट्स राइट नाउ. एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम खाने में ये जो हम दे देते हैं टेबल स्क्रैप्स, इसकी वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से भी है, बट ओबेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू लॉट ऑफ डिजीजेस इन डॉग्स. सो बेसिकली इट्स द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग. अगर हम स्टार्टिंग से ट्रेनिंग रखें और अपना दिल थोड़ा सा एग्जैक्टली हार्ड रखें, बच्चों के साथ भी तो हम यही करते हैं, थोड़ा सा दिल मजबूत करते हैं, हर चीज जिद पूरी नहीं करते हैं. डॉक्टर, टेबल स्क्रैप्स इज द worst thing that you can do for pets, so right? I would like to take it from a totally different angle. Okay. Now there is something known as an alpha order in every house. ठीक है, एक alpha होता है, pack में एक alpha होता है. Right. और जो alpha, जो dogs की family है ना, वो आप हो. Right. You are the family members. और एक pack में क्या होता है, you have to have a dominant leader. और अगर चार dogs है तो सबसे strong dog है वो पहले खाएगा. Right. So if you are eating, it may sound very cruel, आप लोगों को लग रहा है डॉक्टर कैसे बात कर रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि पहले आप खाएंगे और उसके बाद उसको खिलाएंगे, और जब वो खाएगा वो खाएगा, जब आप खा रहे हो आप खा रहे हैं. दूसरा जो पॉइंट है, जो आप कह रहे हो अभी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि छोले खा रहे हैं. Nobody thinks about the fact that it has salt. And how does it affect the dogs? Dogs, absolutely. The point is, आपको पसीना आता है, आपके बॉडी से सोडियम लॉस हो रहा है. जी, ठीक है, यू हैव टू रिप्लेनिश द सोडियम. डॉग्स स्वेट 1/10 एज दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. राइट. सो व्हाट हैपेंस अगर उनको भी उतना ही नमक दिया, तो धीरे धीरे यंग डॉग को तो कुछ भी नहीं होता. एडल्ट डॉग में जब आप सोडियम लंबे टाइम में ज्यादा मात्रा में देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. बिल्कुल, इसीलिए आजकल आप देख रहे हो कि डॉग्स को किडनी फेलियर बढ़ गया है. बढ़ गया है. तो आप नमक नहीं दे सकते. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप नो शुगर, नो सॉल्ट, नथिंग ऑयली, जनरल जनरल जो मिथ्स है, दे आर नॉट मिथ्स, दे आर एक्चुअल फैक्ट्स. सुपर फूड, डॉग फूड, पैकेज्ड फूड, एंड नाउ एक और दो वेरिएंट्स आने वाले हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. बट देयर इज अ कॉलर दैट यू नो इज कनेक्टिंग विद अस. आपका, आप हमारे को सुन पा रहे हैं, आपका सवाल प्लीज. मेरा सवाल ये है कि इनको जो ना एक गुस्सा ज्यादा आता, आपस में लड़ते हैं दोनों. अच्छा, तीनों. जी जी जी. बेसिकली डॉक्टर साहब, एक जेनरिक एक एलिमेंट है कि तीन डॉग्स हैं और तीनों पेट्स, लोग क्या बोलते हैं वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हमारे को वी हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो. तो मैं काफी लोगों को एजुकेट करता रहा हूँ कि अगर आप पेट्स अपने घुमा रहे हैं तो आपका, आई मीन देयर इज अ रूल नाउ व्हिच इज कमिंग टू प्ले. बिल्कुल, द डेंजरस डॉग एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एक डॉग बाहर घुमा रहे हैं तो पट्टे पे होना चाहिए. जी. और कुछ ब्रीड्स है जैसे रॉटवीलर हो गया, जर्मन शेपर्ड हो गया, जी, तो इनको एक मजल भी लगाना आपको पड़ेगा. जी. क्योंकि किसी और के सेफ्टी से आप नहीं खेल सकते. जी, जी, जी. आपके लिए डॉग यू नो फ्रेंडली है, आप समझ रहे हैं आपका डॉग नहीं काटता, लेकिन दूसरा आदमी तो डर सकता है. बिल्कुल. तो पहली बात यह. दूसरा बात, आप ये नहीं सोच रहे कि आपका डॉग बाहर गया, वो कुछ गलत खा के आ गया, किसी और डॉग ने उसको काट लिया. देरा इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो यू नो एक आपस में पेट्स में भी एक कंपटीशन होता है, एक जेलसी भी होती है. और अगर आपके डॉग वो लड़ाई भी हो रही है, आपके भी अपने बीच में अगर सारे बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको न्यूटर करने में ही भलाई है. जी जी जी. मुझे लगता है ये एक ज़रूरी पॉइंट है, और जगदीश जी को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि किस तरीके से केयर कर सकते हैं. और जो डॉक्टर ने बताया आपको न्यूटर करके, एक ये एस्पेक्ट है
जिसको अपनाया जा सकता है। और एक आपसे मैं एक जल्दी से सवाल लूँगी कि जैसे कि जब हम बात करते हैं कि पैकेज फूड की, कैंड फूड की, तो जो तमाम ब्रांड्स और फार्मूलाज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है न्यूट्रिशन को लेकर के मार्केट में अवेलेबल है, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी तो होता होगा पेट पेरेंट्स के मन में कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये ब्रांड वो ब्रांड। जैसे हम ह्यूमंस को होता है, हम अगर कुछ खाने का ही पैकेट लेने जाते हैं, कुछ खाने की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओट्स का ही अगर सोच लें, ओट्स लेने जाएंगे तो तमाम ब्रांड्स हैं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। Smriti, before that, before Sujata can answer that, there's a very interesting package and a photograph that has come in. So let's go for that, please. मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Why is a fresh food, home-based food diet essential for your best friend, your dog? क्यों उसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि उसके अंदर एक असेंशियल मात्रा में न्यूट्रिएंट, विटामिंस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो सब रहते हैं। जहाँ तक हम बात करें कंपोनेंट्स की जो एक फ्रेश फूड या एक होम बेस्ड डाइट का पार्ट होना चाहिए आपके डॉग्स का, उसमें आना चाहिए प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिंस, मिनरल्स। 50% जो डाइट है वो प्रोटीन से आनी चाहिए। प्रोटीन्स का सोर्स हो सकता है मीट, फिश, लैम, एग्स। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक प्लांट बेस्ड डाइट से प्रोटीन सोर्स की बात करें तो वो आपको मिल सकता है लेंटिल्स से, सोया से, पनीर से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी के कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात करी जाए तो विटामिंस, मिनरल्स, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो जो मोस्ट पेट पेरेंट्स भूल जाते हैं या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं उस पर, वो है वाटर। इंटरनेशनल ड्राई डॉग फूड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका 18-22% ऑफ द प्रोटीन शुड बी देयर इन द फूड दैट यू आर फीडिंग टू योर डॉग्स, एंड देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स फॉलो। सो 18-22% बेसिकली प्रोटीन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हम एक रेसिपी बनाएंगे यहाँ पे, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है वो, जिसका नाम है चिकन एंड राइस। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेश फूड, होममेड फूड रेसिपी ऑफ चिकन एंड राइस। इन गोज द चिकन। अप नेक्स्ट इज सोक्ड राइस। नेक्स्ट वी ऐड द चिकन लिवर, पम्पकिन, सम फ्रेश कैरेट्स, बीन्स। नेक्स्ट इज ब्रोकली, टर्मरिक। ध्यान रहे, जैसा हमने आपको डोंट्स में बताया था, नो सॉल्ट और एडिशनल स्पाइसेस टू बी एडेड। यू कैन मिक्स इट वेल, स्टर इट वेल, नॉट टू फॉरगेट द वाटर। ओवर कुक ना कर दें, द की इज दैट इट शुड बी ब्लेंडेड वेल। नाउ ओवर, सो लेट्स जस्ट सी कि, एज यू कैन सी, हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एंड द इंग्रेडिएंट्स आर फाइनली अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। वी टॉप इट अप विद कोकोनट ऑयल एंड सोप चिया सीड्स, एंड देन यू mix it well again. There you go, it's ready to serve. Yay!
एक अडल्ट डॉग की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दो बार दिन में खाना दिया जाए और एक पपी को अराउंड 3 to 4 times खाना दिया जाए। कितनी मात्रा में खाना दिया जाए वो डिपेंड करेगा काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जैसे कौन सी ब्रीड है, वो कितने साल का है, उनका वेट कितना है और उनका एक्टिविटी लेवल कितना है। वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, पीज, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, पम्पकिन आप अपने डॉग्स को दे सकते हैं। एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया, मेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये आप अपने डॉग के डाइट में शामिल कर सकते हैं। टमेटोज, गार्लिक, सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस, अनियंस, तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश के आप बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं दे सकते उनको, इट्स लाइक पॉइजन फॉर देम। गर्मियों का मौसम अब चालू हो गया है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो हमारे साथ साथ हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे डॉगोज, उनको भी काफ़ी गर्मी लगती है, उनका एपेटाइट भी लॉस थोड़ा कम हो जाता है बेसिकली गर्मियों के मौसम में। सो इट इज़ वेरी असेंशियल टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड, जैसे छाछ हो गया या दही हो गया, अगर आपने कभी पहले नहीं फीड करी है तो आप थोड़ी सी दे के देखें उनको, एंड देन आई एम श्योर कि उन्हें पसंद आएगा, तो वो उसको हाइड्रेटेड रखेगा छाछ और दही जैसी ठंडी चीज़। कि आप ये मील प्लान या जो डाइट प्लान या होम बेस्ड फूड जो हमने आज शेयर किया है वो एक कैट को ना फीड करें, बिकॉज कैट का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि वो कार्निवोर्स होती हैं और वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो एक मीट बेस्ड डाइट से ही डिराइव करती है। इसीलिए ध्यान रहे कि आप ये जो मील प्लान है वो अपने कैट के लिए ना फीड करें। जिस खूबसूरती के साथ ये पैकेज आपके सामने हमारी क्रिएटिव टीम लेकर के आई है, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे खाना देना चाहिए और क्या सुपर फूड्स का जो हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ होता है हमारे घर के होम कुक्ड फूड में। और एक कॉलर आ रही है हमारे पास, एक कॉल आ रहा है जैस्मीन का दिल्ली से। जैस्मीन आप अपना सवाल पूछ सकती हैं हमसे। एक्चुअली मेरे डॉग को पिछले साल पार्वो हुआ था और उसके ना अब वेट गेन ही नहीं हो रहा। अच्छा जैस्मिन, कौन सा ब्रीड है आपके पास एंड क्या एज है? मेरे पास बुली है और उसकी एज 8 months है। 8 months यस। करंट वेट संजीव, करंट वेट आप बता पाएंगे क्या वेट है? अराउंड 22। बुली बुली वेट मेरे ख्याल से इज नॉट अ कंसर्न, आई मीन बुली का वेट अगर है, बुली कौन सा साइज है डॉक्टर? या इट्स क्वाइट गुड, नो बट दिस इज द साइज वेरिएंसेस, यस, सो वो अगर वो एक्सेल साइज है या कुछ डिपेंड करता है। 22 किलोस एट द एज ऑफ 8 मंथ्स इज नॉट एक्चुअली टू बैड। ओके, एंड अभी भी 4 महीने है आपके ग्रोथ के लिए, तो कीप अप द प्रोटीन कंटेंट, राइट, यू नो यू हैव टाइम टिल अबाउट 1 year, बट नॉट ऑफ अ कंसर्न इज व्हाट यू आर सेइंग। नो डेफिनेटली नॉट, 22 किलोस इज अ इज एक्चुअली अ वंडरफुल वेट। बिल्कुल परेशान मत होइए जैस्मिन, डीवॉर्मिंग करा ले फिर से। जी, डीवॉर्मिंग एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है जिस पर हम लोग जोर भी देते हैं कि जैसे हमारे लिए असेंशियल है साल में 6 महीने में, वैसे हमारे पेट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपसे जो मेरा सवाल था सुजाता, वो मैं पूछ रही थी क्योंकि हमें अपना शो क्लोज करना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, सो वील हैव टू रैप अप आवर शो एज ASAP. So, last reaction from both of you. जो पैकेज फूड्स, जो कैंड फूड मार्केट में अवेलेबल हैं, तमाम ब्रांड्स हैं, ऐसे में कन्फ्यूजन जब होता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको पैकेट को पलट के पीछे जो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन, उसको सही से पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर आप नेचुरल फूड की तरफ जाना चाहते हैं, इंश्योर दैट उसके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, एंड देन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डॉक्टर साहब, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि 1 साल की उम्र तक 50-50 डाइट ऑफ होममेड एंड कमर्शियल फूड इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, राइट, और 1 साल के बाद आई थिंक वी कैन ऑल कन्वीनियंटली, वंस आप एक अडल्ट वेट आ गया है, राइट, हम सब शिफ्ट करके घर के खाने पे
आ सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सुजाता फॉर कमिंग टू आवर शो, स्पेयरिंग योर टाइम फॉर अस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इन द ऑडियंस, कॉलर्स, आपने हमें कॉल किया, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपके अपने पेट्स के कोई भी ऐसे फनी वीडियोज या पिक्चर्स हों आप हमें भेजिए, हम अपने शो पर उन पिक्चर्स को, उन वीडियोज को दिखाएंगे. एज बेस्ट पेट ऑफ द वीक हम उनको दिखाएंगे. और हमारे शो से जुड़े जो भी आपके फीडबैक और सजेशन हो आप हमें लिख सकते हैं. हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. आप इस पर अपना फीडबैक, सजेशन और पिक्चर्स और वीडियोस भेज सकते हैं. फिर से अगले हफ्ते आपके साथ जुड़ेंगे हम एक नया टॉपिक, एक नया पहलू, सर्विस डॉग्स एंड उनके एक लाइफ एलिमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनके अडॉप्शंस एंड और चीजों के साथ आपसे जुड़ेंगे. टिल देन रिस्पेक्ट पेट्स, लव एंड लिव लाइफ बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. जहाँ तक हम बात करें घर के खाने की जो हम अपने डॉग्स को देते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट 18-22% ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू, और इट इज़ डिफिकल्ट टू अडहर टू यू नो दो स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम घर पे जब खाना बनाते हैं तो हम नहीं वो मेजर कर सकते कि एग्जैक्ट 18-22% दिया है या नहीं दिया है. तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप या तो एक कैनाइन न्यूट्रिशनिस्ट या फिर वेरीफाइड जो सर्टिफाइड वेट्स होते हैं उनसे आप अपने डॉग की ब्रीड एंड वेट के हिसाब से कंसल्ट करके उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान एंड उनका जो भी आप मील्स तय करें उनसे डिस्कस करके. एक मिथ है कि डॉग्स आर कार्निवोरस, बट ये असल मायने में सही नहीं है. Because a meat-based diet is preferred for dogs, पर एक plant-based diet भी उन्हें दिया जा सकता है.